तो भाई मेरे कैसे हो? आप सब में से कोई इंसान भी ऐसा नहीं होगा जो अपना मुस्तकबिल नहीं देखना चाहता। कैसी लगेगी हमारी दुनिया 2070 में? हमारे मोबाइल फोन्स, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी होगी? हमारी ज़मीन कैसी होगी? आपके पास जो कुछ भी है आप उस पर खुश हो, आप खुश हो कि आप बहुत अच्छे, बहुत एडवांस ज़माने में पैदा हुए। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, गाड़ियां हैं, जहाज़ है, सब कुछ है, लेकिन ये सारा कुछ 2070 में कैसा नज़र आएगा? जो साइंसदानों ने अपने अंदाजों से दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में पता किया है, मैं वो सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ और आपको भी चाहिए कि आप उस चीज़ को जानो। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक 2070 में मोबाइल फोन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। किसी भी इंसान के पास किसी किस्म का कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, बल्कि उसकी आँख में एक कॉन्टैक्ट लेंस लग जाएगा जिसमें वो जो चाहेगा वो कर सकेगा। ये कॉन्टैक्ट लेंस जो आपकी आँख के अंदर लगा होगा, आप इसे अपने ब्रेन दिमाग के जरिए कंट्रोल करेंगे। आप अपने दिमाग में जिस तरह सोचेंगे और इसे कमांड देंगे, ये उसी तरह काम करेगा। और 2070 में तकरीबन हर चीज़ ऑनलाइन होगी, मतलब कि आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर अपने घर की लाइटों, खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद कर सकेंगे और खोल सकेंगे, और ये सारा कुछ आप अपने दिमाग से कंट्रोल करेंगे। आपकी आंख के अंदर लगा ये लेंस आपको वर्चुअल रियलिटी का बहुत ज़्यादा मज़ा देगा। और मुस्तकबिल में 70% नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। इसकी बड़ी वजह रोबोट का ज़्यादा इस्तेमाल है। हर किस्म की फैक्ट्री, मिल और कंपनी में रोबोट्स काम करना शुरू कर देंगे। और मुस्तकबिल में सैलाब वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक उस वक़्त सी लेवल में इजाफा होगा और कई खूबसूरत और बहुत खूबसूरत मुल्क पानी में डूब जाएंगे। और उस वक़्त इंसानों की एवरेज उम्र में इजाफा हो जाएगा। हर इंसान की एवरेज उम्र तकरीबन 100 साल हो जाएगी। अगर आप एक एवरेज इंसान हैं और आपका खाना पीना सब कुछ ठीक है, तो उस वक़्त के लिहाज से आप 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है मेडिकल साइंस, जिससे हम किसी भी बीमारी का हल बहुत जल्दी तलाश कर लेते हैं। और मुस्तकबिल में सिर्फ कंपनियों, फैक्ट्रियों और मिलों में ही रोबोट नहीं काम करेंगे, बल्कि रोबोट इंसानों के अंदर, इंसानों की बॉडी के अंदर भी काम करेंगे। जी हाँ भाई, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपके जिस्म के अंदर हजारों छोटे छोटे रोबोट्स डाल दिए जाएंगे जो आपके जिस्म में किसी भी बीमारी को निकाल देंगे और आपके जिस्म को किसी भी इन्फेक्शन से बचाएंगे। आपके जिस्म के अंदर जितने भी जरासीम हैं उन सबको वो ख़त्म कर देंगे और उन रोबोट्स के अंदर एक खास चिप लगी होगी। और मुस्तकबिल में दर्जा हरारत में इजाफा होगा और हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से ज्यादा बचना होगा, वरना हमें स्किन कैंसर हो सकता है। लेकिन उस वक्त कैंसर जैसी बीमारियों पर बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। तकरीबन 80 साल से कम वाला कोई भी इंसान कैंसर की वजह से नहीं मरेगा। मुस्तकबिल के हवाई जहाज आज के हवाई जहाजों से बहुत 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 ज्यादा आरामदेह और खूबसूरत होंगे। उनमें बड़ी बड़ी LEDs लगी होंगी जिससे हम आसमान को देख सकेंगे और जहाज का सफर ज्यादा आरामदेह और मजेदार होगा। मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की पर होगी और उड़ने वाली गाड़ियाँ बिल्कुल आम होंगी। उस वक़्त एक्सीडेंट रोड्स पर नहीं बल्कि आसमान में होंगे और उस वक़्त की आबादी 960 करोड़ से भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से खुराक और रहाइश के मसाइल ज़्यादा होंगे। ये वीडियो जो अभी ख़त्म हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ साइंसदानों के ख्यालों पर मबनी थी। साइंसदानों ने अपने कैलकुलेशंस के ज़रिए पता किया है कि हमारा मुस्तकबिल ऐसा हो सकता है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया उससे पहले तबाह हो जाए, ये भी साइंसदानों का ही ख्याल है। और ऐसा भी हो सकता है उस वक़्त टेक्नोलॉजी का नामो निशान ही ना रहे, कुछ ऐसा भयंकर हो जाए, मतलब कुछ कह नहीं सकते। ये एक अंदाज़ा है। अगर दुनिया इसी हिसाब से इसी तरह चलती रही तो फ्यूचर में 2070 में ये सारे बदलाव आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 2070 तक जिंदा रहें और इन चीज़ों को देख सकें। और मैं हर तीसरे दिन इसी तरह की इलम से भरी वीडियो बनाता हूँ। जो वीडियोस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं, उस वीडियो को बजरिया नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अभी इस बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और फिर इसके साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दो।